अर्धवार्षिक परीक्षा में लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से प्रदेश में स्कूलों के जो संचालक हैं वे विरोध में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से शुल्क को बढ़ा दिया गया है। पहले जहां शुल्क 6 रुपए और 10 रुपए लगता था, तो इस शुल्क को अब 20 रुपए 40 रुपए कर दिया गया है, जिसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा। जब ये सवाल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से किया गया तो मदन दिलावर का एक बार फिर से अजीबोगरीब बयान और उदाहरण सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यहां तक कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन गुटखा नहीं खाता है तो फीस का भुगतान हो सकता है। इसके साथ ही मदन दिलावर ने यह तक कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है। शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। देखो, पैसा लेना कोई बुरा नहीं, क्योंकि जो ये जो पैसा लाएंगे ना हम कहीं कहीं से, वो भी जनता का है, वो किसी भी किसी माध्यम से आना तो जनता का ही। ऐसा नहीं कि साहब या कोई प्रधानमंत्री जी के या मुख्यमंत्री जी का पेड़ लगाओ। जनता जो अपना कमाई का पैसा चाहे टैक्स के माध्यम से किसी के माध्यम से लगाती है, उसको सरकार खर्च करती है जनता के विकास में। अब वो यहाँ से नहीं तो यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा, छोटा अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। और मैं कहूँ तो 40 रुपए का तो आधे दिन में लोग गुटखा खा जाते हैं, तो जो ये जिसको ज्यादा लगता अपना गुटखा छोड़ देगा, किसी का मन जाएगा। आपने सुना, शिक्षा मंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पैसों का पेड़ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के घर पे नहीं लगा हुआ है, पैसा तो जनता के पास से ही आना है। ऐसे में अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले शिक्षा विभाग की ओर से पेपर छपाई के लिए जो शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, इसका विरोध तो तेज होने ही लगा है। इसके साथ ही अब विपक्ष भी जमकर बीजेपी सरकार के सामने खड़ा हो गया। ऐसे में अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग में अपने बयानों के लिए जाने जाने वाले बयानवीर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या फिर से बैकफुट में आते हैं, या फिर परीक्षार्थियों पर जो स्कूलों के बच्चे हैं उनको ये भार भुगतना होगा। आप देखते रहिए द नगरी मीडिया। मैं हूं ललित वर्मा।